फिर से स्वागत है। आज की डिश है सफेद बर्फी, जो खोया से तैयार करेंगे हम, और खोया भी होममेड खोया। देखिए, एक लीटर दूध मैंने इस तरह से बहुत ही थिक और ड्राई कर लिया है। एक लीटर दूध सुखा करके, देखिए, चला चला करके मैंने बहुत ही थिक कर दिया है। काफ़ी गाढ़ा हो चुका है हमारा दूध और मलाईदार हो चुका है। और ये मेरे पास खोया, वाइट खोया है, जो मैंने घर पर ही रेडी किया है। अगर आपको ये खोया देखना है कि कैसे बना है, तो मेरा पिछला सेगमेंट देखिए कि जिसमें मैंने खोया बनाना सिखाया है। अब ये देखिए, इसके अंदर हम ये ड्राई फ्रूट, सब तरह के ड्राई फ्रूट हैं, 5 से 7 बादाम, 5 से 7 पिस्ता और 5 से 7 काजू, और ये छोटी इलायची और ये बड़ी इलायची, और ये हम स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे। कम ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस मीडियम, जैसे कि 4 से 5 चम्मच काफ़ी हैं। तो हमारी जो खोए की रबड़ी बननी है वो तो बन चुकी है। अब हम इसके अंदर अपना जो खोया है वो मिला लेते हैं और बर्फी के लिए रेडी कर लेते हैं, क्योंकि आज की हमारी डिश का नाम ही है खोया वाली सफ़ेद बर्फी। ये 1 लीटर दूध जो था फुल क्रीम दूध, उसे मैंने उबाल करके इतना कम कर दिया है। काफ़ी चला चला करके मैंने इसे थिक किया है। अब ये काफ़ी थिक हो चुका है, कम से कम 500 से 400 ग्राम ही बचा है 1 लीटर से। अब हम इसके अंदर ये जो हमने होममेड खोया बना करके रखा है, ये रेडी कर डाल लेंगे और अपनी खोएदार बर्फी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे मेल्ट कर लेते हैं और अपनी बर्फी के लिए रेडी कर लेंगे। लीजिए, हमारी बर्फी जो बननी है वाइट खोया बर्फी, उसका खोया देखिए एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर 4 चम्मच चीनी डाल लेंगे। मैंने चीनी नहीं ली है, मैंने बूरा लिया है, क्योंकि जल्दी से मेल्ट हो जाएगा ये, इस तरह से। ये देखिए, बस 4 चम्मच काफ़ी हैं। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 1/4 चम्मच इसमें हम छोटी इलायची और 1/4 चम्मच मोटी इलायची, जो मैंने पीस करके रखी हुई है। लीजिए, अब हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक ये चीनी हमारी घुल करके बहुत अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। 2 मिनट में ही ये सब रेडी हो जाएगा, और हम थोड़ा सा 1 से 2 मिनट ठंडा करेंगे और उसके बाद इसे जमा देंगे और बर्फी की पीसेस बनाएंगे। लीजिए, खोए की बर्फी जो हमने रेडी की है बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। चीनी देखिए बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है और पैन से छूटने लगा है हमारा डो। अब हम इसको गैस बंद करके थोड़ा सा ठंडा करके जमा लेंगे मोल्ड में, और उसके बाद इसके बर्फी वाले पीसेस काट लेंगे। लीजिए, हमारी खोया बर्फी रेडी हो गई है। आइए, हमने 6 से 7 मिनट फ्रिज में खोया बर्फी रख दी थी, और इस तरह से वो बिल्कुल सेट हो गई है। बटर पेपर हटा लेते हैं और इसको गार्निश करके और बहुत अच्छे लुक में काट लेते हैं। ले लीजिए, ये हमारी खोया बर्फी है, ये होममेड। हमने इस ट्रे से दूसरी ट्रे में शिफ्ट कर दिया है और बटर पेपर को धीरे धीरे हटा लेते हैं और कटिंग करके डेकोरेशन कर देते हैं बर्फी की। ये हमारी होममेड खोया जो है, होममेड खोया की बर्फी बनाई है, और नाइफ से काट करके बर्फी के पीसेस कर लेते हैं और गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। लीजिए, पीसेस हमने काट लिए हैं। खोया बर्फी हमारी रेडी हो गई है, बिल्कुल तैयार हो गई है। डेकोरेशन कर दिया हमने बर्फी की, बहुत ही अच्छी लुक और बहुत ही टेस्टी बन गई है। अगर आपको हमारी बनाई हुई डिशेस पसंद आ रही हैं तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।